पर स्वागत करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। हमेशा की तरह एक नई अपडेट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेकर मैं इस खास वीडियो में हाजिर हूँ। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार ने न्यूली एडमिटेड यूजी यानी अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट पीजी स्टूडेंट्स के लिए थर्ड अलॉटमेंट लिस्ट की घोषणा की है, इसे जारी किया है। हालांकि नोटिस अभी वेबसाइट पर नहीं है, मैं इस वीडियो में आपके साथ नोटिस शेयर करने जा रहा हूँ, इसलिए आप वीडियो को ध्यान से देखें। नोटिस 25 नवंबर की है, इसमें आप देख सकते हैं हॉस्टल अलॉटमेंट टू यूजी एंड पीजी स्टूडेंट्स ऑफ सेमेस्टर 1 2/12/2022 यानी 2 दिसंबर तक आपको SBI कलेक्ट के थ्रू पैसे जमा कर देने हैं। डिटेल्स ऑफ फीस जैसा कि दिया गया है, पर सेमेस्टर 9,000 रुपये लगेंगे यानी 1,500 रुपये पर मंथ। हॉस्टल सिक्योरिटी डिपॉजिट जो कि वापस कर दिया जाएगा 3,000 रुपये जब आप हॉस्टल छोड़ेंगे। मेंटेनेंस फीस 1,000 रुपये, कुल आपको 13,000 रुपये पे करने हैं। इसके साथ साथ आपको जो आप पेमेंट करेंगे, पेमेंट की रिसिप्ट आएगी, उस रिसिप्ट की कॉपी आपको लेके आना है। इन डॉक्यूमेंट्स को भी आपको अपने साथ ले आना है हॉस्टल अलाटमेंट के लिए। ज़्यादा जानकारी के लिए आप श्री अनुराग मिश्रा से इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। आगे आप देख सकते हैं हॉस्टल यूजी एंड पीजी, ये कॉमन लिस्ट है, सब एक ही सीट सिर्फ मिली है। यूजी कोर्सेज में बीएससी बीएड में संजना झा को एमएससी जियोलॉजी में 1 सीट, मैथमेटिक्स में 1 सीट, मास कम्युनिकेशन में सतीश कुमार को मिला है। एमएड में लिता देवी, इन्वायरमेंटल साइंस में 2 लोगों को हॉस्टल मिला है। जियोलॉजी में 2 कैंडिडेट्स, इकोनॉमिक्स में 1, इंग्लिश में 2, हिंदी में 1, हिस्ट्री में 1, पॉलिटिकल साइंस में 2 लोगों को हॉस्टल मिला है। सोशियोलॉजी में 1, सोशल वर्क में 1, लॉ में पर्ण प्रकाश को मिला है। LLM जिसके मतलब लॉ मींस LLM केमिस्ट्री 1 सीट, मैथमेटिक्स में 1, फिजिक्स में 3, स्टैट्स में 1 और ज्योग्राफी में 1 स्टूडेंट को हॉस्टल मिला है। ये कॉमन लिस्ट है बॉयज़ एंड गर्ल्स की। अगर आपका नाम इस लिस्ट में, इस 26 लोगों के नाम में आपका नाम है, तो आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार की वेबसाइट विजिट करें। यहाँ पर आप देखेंगे स्टूडेंट कॉर्नर, स्टूडेंट कॉर्नर में आप यहाँ देखेंगे ऑनलाइन फ़ी पेमेंट। जब आप इस लिंक को क्लिक करेंगे तो ये पेज आपके सामने ओपन होगा। यहाँ जाकर आप आई हैव रीड करके इसको क्लिक करें, प्रोसीड करें। प्रोसीड करने के बाद आपको फर्दर स्टेट पूछा जाएगा, स्टेट बिहार। बिहार के बाद यहाँ पे आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटीज चुनना है, एजुकेशन इंस्टीट्यूट, फिर आप आगे मूव करें और यहाँ पर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी सर्च कर सकते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार एडमिशन। जब आप इसको सबमिट करेंगे फर्दर आपको पूछा जाएगा। तो फिलहाल अभी हॉस्टल पेमेंट की लिंक एक्टिव नहीं हुई है, यहाँ पे वो ऑप्शन आ जाएगा, आज शाम तक ये ऑप्शन आ सकता है। इसके बाद अपनी पेमेंट आप कर दें 2 दिसंबर तक। अगर आप 2 दिसंबर तक पेमेंट नहीं करेंगे तो जैसा कि बताया गया है नोटिस में, आपका अलॉटमेंट किसी और को दे दिया जाएगा। तो वीडियो में इतना ही, वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों से शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमेशा अपडेटेड रहने के लिए बेल के आइकन को ज़रूर दबाएं। बहुत बहुत शुक्रिया।